ज़कात अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर किया हुआ, फिक्स किया हुआ एक हक है हमारे माल में। ये कोई एहसान नहीं करते हम गरीबों पर, ये कोई एहसान नहीं करते, ये अल्लाह ताला ने हक बनाया है हमारे माल में। ये जो माल हम कमाते हैं ये अल्लाह का दिया माल है, ये हमारे टैलेंट और हमारी सलाहियत और हमारी काबिलियत से नहीं मिला है। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया है, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई दुकानदार है कोई ख़रीदार है, कोई झोपड़ी में रहता है कोई महल में रहता है, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। तो अल्लाह ताला के उस निज़ाम में अगर अल्लाह ने हमको गनी बनाया है, मालदार बनाया है, तो उसी अल्लाह ने हमें और आपको ये हुक्म दिया है कि हमारे माल में 2.5% 40वां हिस्सा अल्लाह की राह के लिए वक्फ है, वो हमारे माल में हक है। वफ़ी अमवालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, सूरह ज़ारियात में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे नेक बंदों के माल में मांगने वाले गरीबों मजबूरों का हक है, अल्लाह ने इसको हक करार दिया। यहाँ एक बात, एक सवाल पैदा होता है कि भाई हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बहुत तरीके के टैक्स हम देते हैं, मकान टैक्स, बिजली टैक्स, पानी टैक्स, इनकम टैक्स, इतने सारे टैक्स देने के बाद हम ज़कात भी दें, तो भाई ये जो टैक्स हम देते हैं ये इस मुल्क में, इस मुल्क के कानून और इस मुल्क के दस्तूर की रोशनी में हम देते हैं, इस मुल्क में हम रहते हुए बहुत सारी हुकूमत की तरफ से बहुत सारी सहूलियात का फ़ायदा उठाते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, पानी पीते हैं, मकान में रहते हैं, तो हुकूमत ने उन खिदमात और उन सेवाओं के बदले आप पर एक टैक्स लगाया है, उसका ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी याद रखें कि ज़कात कोई टैक्स नहीं है, ज़कात तो अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर, हमारे माल को पाक करने के लिए, हमें पाक करने के लिए, माल की मोहब्बत और हिर्स और लालच से पाक करने के लिए अल्लाह ने ज़कात का हुक्म दिया। और ये उस अल्लाह का करम है, उसने 2.5% का हुक्म दिया है। भाई माल तो 100% उसी का दिया हुआ है, वो अगर ये कह देता कि तुम 97.5% हमें दो, 2.5% तुम अपने पास रखो, तब भी हमें एतराज़ का कोई हक़ नहीं था, माल तो उसी का दिया हुआ है, लेकिन ये उसका करम है। और हमारी कमज़ोरी को देखते हुए, हमारे माल की मोहब्बत को देखते हुए और हमें माल की ज़रूरत है ये देखते हुए उसका करम है कि उसने 2.5% सिर्फ 2.5% का हुक्म दिया है, 97.5% तुम रखो, 2.5% हमारी राह में खर्च करो। ये है ज़कात, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़कात का जो ये हुक्म है ये मक्का ही में नाजिल हो गया था। ज़कात का जिक्र सूरह मुज़म्मिल के अंदर है, कुरान के 29वें पारे में, उलमा कहते हैं सूरह मुज़म्मिल मक्का में शुरुआती दौर में नाजिल हुई, इसे मालूम होता है कि ज़कात का हुक्म शुरुआत ही में दे दिया गया था। हाँ, ज़कात की जो तफसीलात हैं, जो डिटेल हैं और जो निसाब वगैरह है, वो सारी चीज़ें मदीना में, बाद में हिजरत के बाद मदीना में उसको नाजिल किया गया।